यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे हैं तो समझो आपका जो लक्ष्य है, आपका एम जो है, आपका जो गोल है वो बहुत छोटा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा प्राचीन भारत की। ये होगा इसका पार्ट 3। इस बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं या फिर जिन क्वेश्चंस का सिलेक्शन या मैं बात करूं कलेक्शन के इस बुक के अंतर्गत रखा गया है, वो सभी क्वेश्चंस एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। चाहे वो एग्ज़ाम हो सीजीएल टायर 1 का, एमटीएस का, सीपीओ का या फिर किसी स्टेनोग्राफर का, तो ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आज आपसे बात करूंगा केवल और केवल बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, और इस बुक से संबंधित बहुत सारे पार्ट हम लोग इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप घटना चक्र बुक की प्लेलिस्ट में जाएं और उन सभी वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि ऐसा माना जाता है और ऐसा देखा जाता है कि आपके एसएससी एग्ज़ाम में जीएस के 90% क्वेश्चंस प्रीवियस एग्ज़ाम से ही सेम पूछे जाते हैं। अगर आपकी जीएस काफ़ी वीक है, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से पढ़ा जाए, किस हिसाब से पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, अगर एग्ज़ाम में केवल 2 से 3 महीने आपके बचे हैं तो मैं आपको बस केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आप कम समय में ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को याद करें। देखिए, घटना चक्र बुक काफ़ी अच्छी बुक है। इस बुक को आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं, मार्केट में ये आसानी से मिल जाएगी। अगर मार्केट से आप परचेस करना नहीं चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दूंगा, आप वहां से भी बुक को परचेस कर सकते हैं। या फिर अगर आपको परचेस भी नहीं करनी है ना मार्केट से ना ऑनलाइन, तो इस वीडियो के माध्यम से भी आप स्टडी कर सकते हैं। जहां से आपको बेस्ट लगे वहां से स्टडी करें, बट टारगेट ये है कि आपको स्टडी करनी चाहिए। एक फाइनल गोल आपको डिसाइड करना चाहिए, एक सिंगल एग्ज़ाम पर ही आपको फोकस करना चाहिए। बात बहुत अधिक हुई, मैं शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था कहाँ पर? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन हमको एग्जाम में देगा, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है लुम्बिनी। ठीक है, और ये जन्म कब हुआ था? ये जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर। तो आप अपने जो नोट्स बना रहे हैं उसमें ये लाइन पूरी लिखिए और ये याद रखिए जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। क्योंकि एसएससी के काफ़ी सारे एग्जाम में उन्होंने स्थान के साथ जन्म का भी जिक्र करा है कि जन्म कौन से ईसा पूर्व में हुआ था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे थोड़ी सी डिटेल और पढ़ लेते हैं इसके आगे थोड़ा सा, कि इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। देखिए, एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं गौतम बुद्ध को। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहते हैं या किसको एशिया का ज्योतिपुंज की संज्ञा दी गई, तो आपको याद रखना है वो नाम क्या था, गौतम बुद्ध। देखिए, आप कभी भी स्टडी करते हो तो अपने माइंड में एक स्किल्स डेवलप करो अपने अंदर कि वो क्वेश्चंस इस तरह से नहीं तो किसी और तरीके से किस तरह से पूछ सकता है। तो एक ही क्वेश्चंस में से कई क्वेश्चन बनाने का प्रयास करो, तो इस तरह से क्या होगा, आपको बहुत आसानी से उस क्वेश्चंस का सही आंसर लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि बुद्ध ने जब ग्रह त्याग करा तो इस घटना को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है, तो वो नाम है महाभिनिष्क्रमण। तो आप याद रखिएगा महाभिनिष्क्रमण, देखिए इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये वाला बात करते हैं आगे, इनकी जो डेथ हुई थी, इनके मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, और जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी संकलित है। अभी आप देखना,
जैसे कि आपने ये पूरी लाइन पढ़ ली तो इससे संबंधित काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं और बनते ही हैं कि जातक में किसके पूर्व जन्मों की कहानी संकलित है, तो आपको याद रखना है गौतम बुद्ध की। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे। भगवान बुद्ध ने जो अपने प्राण त्यागे थे वो त्यागे थे कुशीनगर में, लेकिन जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में, जो मैं देखा क्वेश्चन नंबर 1 में। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखिए किस अवस्था में उन्होंने प्राण त्यागे थे। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी डेथ हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी, इन्होंने शरीर को त्याग दिया था। और देखिए अगेन देखिए इसमें दिया गया है कि बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण, तो आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, वो कौन से वंश के थे। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ ये हमने देखा, इनकी डेथ कहाँ पे हुई हमने ये देखा, इनका जन्म कब हुआ हमने इस बारे में इस वीडियो में बात करी, लेकिन बात करते हैं कि किस वंश के थे ये बुद्ध जो थे वो किस वंश के थे। तो इसका राइट आंसर है आपका शाक्य वंश के थे। ठीक है, और इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना याद, केवल ये याद करिए कि गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित रखते थे। क्वेश्चन नंबर 4 कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था। बुद्ध ने अपना पहला प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था, ये दिया था सारनाथ में। आप याद रखिएगा कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। और बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे, तो ये उपदेश दिए थे इन्होंने पाली भाषा में, तो ये दिए थे पाली भाषा में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। पहली जो बौद्ध की जो परिषद हुई थी वो कहाँ पे आयोजित की गई थी, वो करी गई थी राजगृह में। क्वेश्चन नंबर 6, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने करा था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने करा था, ये करा था हर्ष ने। ठीक है, अशोक के समय में तीसरी हुई थी, कनिष्क के समय में चौथी हुई थी, और पांचवी किसके समय में हुई थी, पांचवी हुई थी हर्ष के समय में। आप याद रखिएगा अशोक के कार्यकाल में तो तीसरी हुई थी, अशोक के बाद उसका पुत्र था कनिष्क, तो तीसरी के बाद क्या होगा, चौथी। ठीक है, जो करवाई थी वो कराई थी कनिष्क ने। ठीक है, और उसके बाद जो पांचवी हुई थी, पांचवी किसने कराई थी, हर्ष ने। ठीक है, और ये बौद्ध और जैन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, केवल अब तक एसएससी में 20 साल में केवल इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं बौद्ध और जैन धर्म के, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दिया है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दिया है, तो उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट हैं, हम वो पढ़ रहे हैं नीचे कुछ डिटेल में। तो जैसे कि हमने देखा कि पांचवी जो बौद्ध परिषद का आयोजन करा गया था वो हर्ष ने करा था, तीसरा करा था अशोक ने, और चौथा करा था कनिष्क ने। और ये कनिष्क कौन था, ये था अशोक का पुत्र। और कलिंग का युद्ध अशोक ने किसके साथ लड़ा था, तो वो हुआ था खारवेल और अशोक के बीच में, खारवेल कलिंग। कलिंग कहां पर है, कलिंग का वर्तमान नाम क्या है, वो है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्ध का अर्थ क्या है। वास्तव में बुद्ध का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान प्राप्त। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो चारों ऑप्शन देगा, ये चारों ऑप्शन आपको ऐसे देगा कि जिसमें आपको कंफ्यूजन हो जाए, जैसे ज्ञान प्राप्त, धर्म प्रचारक, हम सोचेंगे हाँ यार ये जो गौतम बुद्ध थे ना, तो एक्चुअली ये धर्म का प्रचार करते थे, पक्का धर्म प्रचारक होंगे, तो मैक्सिमम लोग अपना आंसर लगा के आते हैं बी, बट इसका राइट आंसर होगा ज्ञान प्राप्त। बुद्ध का जो अर्थ होता है वास्तव में वो होता है ज्ञान प्राप्त या ज्ञान की प्राप्ति। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते, एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बोधवाद के प्रचार के लिए किया गया था, तो ये जो भाषा थी ये थी पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कि बोध साहित्य की पहचान कीजिए, त्रिपिटक, उपनिषेद, अंग या फिर आण्याक, तो इसका राइट आंसर है त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का एक अंग है, ये है सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटिका। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका। देखिए त्रिपिटक अभी हमने कुछ टाइम पहले क्वेश्चन नंबर 9 में रीड करा, अब बात कर रहा है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसका है, जैन का, बौद्ध का, सिखों का या हिंदुओं का।
तो मैक्सिमम अगर बच्चों ने स्टडी कर रखी होगी तो वो लोग मैक्सिमम जैन या फिर बोध में कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ टाइम। तो आप ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या है, बौद्ध धर्म। ठीक है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका, बौद्धों का। क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग थे क्या, स्त्रिया एवं शूद्र। याद रखिएगा स्त्रिया एवं शूद्र के प्रति इन्होंने काफी सारे महत्वपूर्ण कार्य करे। क्वेश्चन नंबर 12, अजंता कलाकृतियां जो है किससे संबंधित हैं, यह है गुप्त काल से। अब थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं, जो ग्रीन से हाईलाइट कर रखा है इसको स्टडी करते हैं। अजंता की गुफाओं पर उत्तीर्ण कुछ कलाकृतियां का संबंध गुप्त काल से है, इसमें बुद्ध से संबंधित कहानियों का चित्रित किया गया है। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था, ये दिया था सारनाथ में। आप याद रखिएगा कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है, कौन कौन सी बातों पर ये विश्वास करता है बौद्ध धर्म। ये करता है विश्वास कि दुनिया दुखों से भरी है, इसका कहना ये है कि दुनिया दुखों से भरी है और लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण ही होता है, ना तो इच्छाएं होती ना ही उनको दुख होता, तो इस तरह की इनकी मान्यता थी। और यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो क्या होगा, निर्वाण मिल जाएगा, मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसमें ए बी सी तीनों ही राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, महान सांप्रदाय के द्वारा। इसका चरमोत्कर्ष कुषाण वंशी कनिष्क के समय हुआ था और बौद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है, वो है मैत्रेय। क्वेश्चन नंबर 17, कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कहां पर, बुद्ध के काल में। और एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 16 में वो रह गया, वो ये था कि गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय को माना जाता है लेकिन इन्हें भावी बुद्ध भी कहा जाता है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। गौतम बुद्ध ने जो धर्म का प्रचार करा उसका एक प्रतीक चिन्ह था, वो था कलश। क्वेश्चन नंबर 18, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी, ये करी गई थी पाली पाठ में। क्वेश्चन नंबर 19, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए, ये रचे गए पाली भाषा में। जहां पर भी बौद्ध की बात करी जाए, भाषा की बात करी जाए तो आप याद रखिएगा पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 20, कि निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, यह है त्रिपिटक। पवित्र ग्रंथ कौन सा है, त्रिपिटक। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था, वो थे सातवाहन। सातवाहन काल में शुरू किया गया ये काल, और इसमें अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 ही बची हैं, बाकी सब जो गुफाएं थी वो क्या हो गई, ध्वस्त हो गई, टूट गई, बंद हो गई, उनका रास्ता जो था वो बंद हो गया, उनका द्वार खत्म हो गया। तो टोटल कितनी बनाई गई थी उस टाइम पे, 29। राइट नाउ कितनी बची है, वो बची है 6। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है। तो सबसे बाद में जो बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखा गया था उसका नाम था वामसात पाकसिनी। तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है। ये बुल होती है, बुल का संबंध किस घटना से है बौद्ध की, तो ये जो संबंध है ये है जन्म से। और घोड़ा जो है वो है ग्रह त्याग से, ये भी आप नोट करिएगा और याद करिएगा। और पीपल जो है, पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी, तो ये क्या है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ करी थी, पीपल। तो सबका एक एक अलग अलग एक घटना का उन्होंने एक प्रतीक बनाया है। ठीक है, घोड़ा संबंध रखता है ग्रह त्याग से, पीपल संबंध रखता है ज्ञान से, और पद चिन्ह रखते हैं निर्वाण से, मतलब मोक्ष से, एवं स्तूप का जो संबंध है वो है मृत्यु से। क्वेश्चन नंबर 24, अफगानिस्तान में बुद्ध की दो विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था, वो थे बामियान में। क्वेश्चन नंबर 25,
बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? वो था कुशी नगर में। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। और इनके मृत्यु को क्या नाम दिया गया? वो दिया गया महापरिनिर्वाण। तो आप इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ये करी गई थी नालंदा में, और कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी ये, और प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ 18 महीने रहकर अध्ययन किया था। ठीक है, और हेनसांग ने कितने महीने तक अध्ययन करा था यहाँ पर? कभी कभी उसका वर्ष पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है 18 महीनों तक। कितने महीनों तक? 18 महीनों तक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? ये हुआ था बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 28। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं क्या? त्रिरत्न। याद रखना त्रिरत्न किससे बना है? ये बना है बुद्ध, धम्म और संघ से मिलकर। क्वेश्चन नंबर 29। इच्छा सब कष्टों का सबसे बड़ा क्या होता है? कारण होता है। इसका प्रचार करने वाला कौन था? ये था बोध धर्म। याद रखिएगा ये पूरा सेंटेंस आपको एग्जाम में देगा और उससे पूछेगा कि इसका संबंध किससे है, कौन से धर्म से है। क्वेश्चन सिस्टम से पूछ सकता है प्रचार की जगह पर, ये किस, ये लाइन, ये सूक्ति किस धर्म से संबंधित है, तो आपको याद रखना है बोध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? देखिए बुद्ध का समकालीन उद्यान भी था, बिंबिसार भी था और अजात शत्रु भी था। ठीक है, तीनों ही थे। अब इसमें से पूछ रहा है कोई एक। अगर ऐसी कभी भी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़कर मत आना, ऑप्शन कोई ना कोई टिक लगाना, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन प्रेजेंट करा गया है एसएससी द्वारा, जो एग्जाम में दिया गया है, तो ये जो क्या करता है, एग्जाम लेता है, अगर बाद में किसी क्वेश्चन पे कोई अगर पॉइंट उठता है कि हाँ ये क्वेश्चन आपने गलत पूछा था एग्जाम में, तो उसका एक नंबर सबको मिलता है, सबको उनको मिलता है जो क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट आपका करा हुआ होना चाहिए, चाहे आपने गलत ही आंसर क्यों ना लगा रखा। अगर आप डी लगाते हैं जो कि इससे कोई संबंध नहीं रखता है, फिर भी आपको एक नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ ट्रिक होती है एग्जाम में, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है और ऐसा बहुत रेयर होता है, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए, शुरुआत कभी ना कभी तो होती है। ठीक है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? यह है जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 32। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? उनका नाम क्या था? उनका नाम था ऋषभ। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फिलहाल थोड़ा सा जैनियों के बारे में, क्योंकि जैनियों के बारे में हमने थोड़ा कम बात करी, अब हम सारे क्वेश्चन बात करेंगे जैनियों से संबंधित, और जैनियों के ये वो सभी क्वेश्चन थे जो आपके एसएससी के किसी किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और यही क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट होंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस थोड़ा इससे लैंग्वेज चेंज कर सकता है कि पहले तीर्थकर जैन धर्म से जो संबंध रखते हैं उनका नाम क्या है, ये पूछ लेगा, तो आपको याद रखना है ऋषभ। ठीक है, इससे संबंधित इनकी मृत्यु क्या हुई थी? कैलाश पर्वत पर हुई थी। और 24वें तीर्थकर कौन थे? 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ठीक है ना, कौन थे? महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर। अब बात करते हैं देखिए महावीर के बारे में, महावीर कौन थे? अगर हमने 32 में पहले ही हमने रीड कर लिया कि ये 24वें तीर्थकर थे, तो महावीर कौन थे एसएससी सीजल में पूछा गया है, तो हमको याद रहेगा 24वें तीर्थकर ये थे। बढ़ते हैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर, देखिए 23 के साथ में हो सके तो 23 में भी याद कर लो। 23, 24 और फर्स्ट, केवल यही आपसे तीर्थकर पूछता है एग्जाम में। ठीक है, 23 में थे आपके पार्श्वनाथ, और 24 में थे आपके महावीर, और पहले में कौन थे आपके? पहले में थे हमारे ऋषभ। क्वेश्चन नंबर 32, ये नोट कर लीजिए, अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 34 है कि लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? ये हुई थी पावापुरी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। और क्वेश्चन नंबर 36, लॉर्ड महावीर का 2600वां जन्मदिन या एनिवर्सरी कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है 2000 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 37 कि महावीर का जन्म किस नाम के क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था?
उस क्षेत्रीय जो गोत्र था वो हुआ, वो गोत्र का नाम है आपका ज्ञात्रिक, और जन्म हुआ था 599 में। महावीर के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ टाइम पहले हमने बात करी थी बोध के बारे में, ठीक है, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, लेकिन बात कर रहे हैं अभी जन्म की, किसके, महावीर की। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक तरफ नोट्स बनाइए जैन धर्म के और एक तरफ बनाइए नोट्स अपने बौद्ध धर्म के, और नोट्स हमेशा छोटे छोटे बनाना और उसे याद करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, जैन साहित्य को क्या कहते हैं, ठीक है, वहां त्रिपिटक था लेकिन यहाँ के जो साहित्य है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंग। क्वेश्चन नंबर 39, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, जैन धर्म को अपनाया था किसने, चंद्रगुप्त ने। और चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईस्वी में उपवास द्वारा इसने अपना शरीर त्यागा था। तो बच्चों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं अगेन आपसे बोलना चाहूंगा, पिछले 20 सालों में जितने भी क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित, वो इस 21 मिनट के वीडियो में सारे के सारे कवर हो चुके हैं। आपसे केवल यही क्वेश्चंस वो पूछेगा लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देगा, जैसे कि हमने क्वेश्चंस में देखा। तो बस थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को एक बार और प्ले करिए, एक बार और वॉच करिए और अपने नोट्स बनाइए, उसके बाद तीसरी बार आपको इस वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीडियो को एंड करने से पहले, वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, और उसके बाजू में आपको दिखाई देगा एक बेल आइकन, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि अधिकांश बच्चे सब्सक्राइब पे क्लिक तो कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन पे क्लिक नहीं करते हैं। अगर आप बेल आइकन पे क्लिक नहीं करते हैं तो आपको हमारे चैनल पे डेली के जो एक वीडियो दो वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं अगेन आपसे बोलूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो अनसब्सक्राइब करें, दोबारा से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे तुरंत क्लिक कर दें, ठीक है। और आपके जो भी फ्रेंड है उन तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है, अपने फ्रेंड की हेल्प करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसको लाइक करिए। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।